यहाँ पे हम बात करने वाले दो अपडेट के बारे में। सबसे पहले हम DRDO के प्रलय मिसाइल को लेकर बात करेंगे, जो कि एक SRBM है, जहाँ पे प्रलय को लेकर जो रेंज है 150 किलोमीटर से लेके 500 किलोमीटर के बीच में है। तो जैसी टेंशन चल रही है LAC पे, वो भी एक की कंसर्न रहेगा। लेकिन हम लास्ट ईयर ही देख चुके हैं कि जो भारत के लिए जो एक रॉकेट फोर्स है वो बनाया जा रहा था, और प्राइमरली जो इंडक्शन है प्रलय का, जिसकी तैयारी चल रही है, जो डॉक्यूमेंट वर्क है वो तैयार कर लिए गए हैं। तो जो प्रलय का इंडक्शन है, MOD की तरफ से जो क्लियरेंस है वो नेक्स्ट वीक आने वाला है, और उसको लेकर जो बैकड्रॉप में तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। तो इस प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करने के लिए जो एक मेन इंस्टिगेटर है वो करंट कंडीशन भी है LAC की, और कहीं ना कहीं इस कैटेगरी के SRBM की जो रिक्वायरमेंट है टैक्टिकल कैटेगरी की, जहाँ पे आप एक कम समय में SRBM को डिप्लॉय करके या फिर मूव करके डिप्लॉय कर सकते हो, तो वो कैटेगरी की जो रिक्वायरमेंट है वो काफी लंबे समय से थी। स्पेशली जिस तरह के टेरेन है LAC के अराउंड, माउंटेनियस टेरेन है, और ज्यादातर टाइम जो आपके एनिमी है वो अपने क्रिटिकल एसेट ऐसी जगहों पर रखेंगे जिनको हिट करना आसान ना हो, तो वैसे केस में एक ठीक ठाक अपोजी पाकर जो आपका इस तरह का SRBM है वो टारगेट को हिट कर सकता है। और कहीं ना कहीं जो एक डोमेन है नो न्यूक्लियर फर्स्ट यूज की भारत की, तो उस डोमेन में भी ये काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा वो प्राइमरली कन्वेंशनल वॉरहेड के साथ रहेगा। हालांकि आर्मी की बात है प्रलय की एक न्यूक्लियर वॉरहेड से, तो वो भी की जा सकती है, क्योंकि न्यूक्लियर वॉरहेड को लेकर हम सभी जानते हैं कि इसके मिनिएचराइजेशन पे DRDO काम कर रही थी, जो कि अभी पब्लिक में नहीं है। लेकिन जो न्यूक्लियर वॉरहेड से आर्मी है, मिनिएचर न्यूक्लियर वॉरहेड से, वो भी किया जा सकता है। तो भारत की जो नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है उसको ये सपोर्ट करेगा, और उसको सपोर्ट करते हुए जो एनमी के क्रिटिकल एसेट हैं, स्पेशली रोल की बात करोगे तो जो एनमी के कमांड कंट्रोल सेंटर हैं, एडवांस एयरफील्ड हैं, कम्युनिकेशन इंस्टॉलेशंस हैं, या फिर रेडार्स हैं, यानी कि DAD मिशन, तो वैसे रोल में इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। क्योंकि जो वेरिएशन ऑफ वॉरहेड है वो यहाँ पे कई तरह के हैं, वॉरहेड के फ्रेगमेंटेशन इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो RDPS वॉरहेड है यानी कि रनवे डेनाइल पेनिट्रेशन वॉरहेड वो यहाँ पे डिप्लॉय किया जा सकता है, और जो HE वॉरहेड है वो स्टैंडर्ड के रूप में रहेगा। तो जो इसका क्लियरेंस है वो आता है, तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट रहेगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि प्रोजेक्ट के बारे में हम सभी जानते हैं, इसके जो सैंक्शनिंग है 2015 में की गई थी, जो पहला बजट है तब अलॉट किया गया था, और DRDO के पास जो PDV है यानी कि पृथ्वी डिफेंस व्हीकल, उसका जो कॉम्बिनेशन है प्रहार और BMD के साथ मिलाकर वो बनाया गया था प्रलय के रूप में। कंपैरिजन की बात करोगे तो जो चाइनीज DF-12 है या फिर स्कांडा है, उसके इक्विवेलेंट आप इसको रख सकते हो, जहाँ पे प्रलय भी सक्षम है। इसको इस तरह से बनाया गया है कि जो एनिमी के इंटरसेप्टर हैं उनको डिफीट कर सके। प्रोपल्शन के रूप में यहाँ पे दो स्टेज दिए गए हैं सॉलिड रॉकेट मोटर का, लेकिन जो तीसरा स्टेज है वो एक MARV है, यानी कि मैन्यूवरेबल रीएंट्री व्हीकल। तो एक बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करके जब आप मार्व पे पहुंचोगे, तो वहाँ पर जो मार्व होगा उसको आप मैन्यूवर कर पाओगे। तो यहाँ पर टेक्निकली कहा जा सकता है कि जो मिसाइल की ट्रैजेक्टरी है वो क्वाजी बैलिस्टिक है, जो कि मिड एयर जो मैन्यूवर्स है वो कर पाएगी। अगर कोई मिसाइल ऐसा करती है तो उसको ट्रैक करना आसान नहीं होगा एनमी के रडार के लिए, और उनके इंटरसेप्टर के लिए एक ऐसे पॉइंट को ढूंढना जहां पर वो इंटरसेक्ट कर सके प्रलय के पाथ को। तो एक शॉर्ट स्पैन वॉरफेयर में अगर आपको एडवांटेज चाहिए तो इस तरह के जो मीन है वो आप ऑप्ट कर सकते हो। अगर ये कैपेबिलिटी आपके पास रहती है तो एनमी कोई भी जो मिस एडवेंचर है वो करके जो छोटे गेन है वो नहीं लेना चाहेगा। CEP की बात करोगे तो 10 मीटर से नीचे की CEP है, और आप टू 700 kg का जो वॉरहेड है वो ये कैरी कर सकता है। अगर आप मैक्सिमम वॉरहेड कैरी करते हो तो जो रेंज होगी वो कम हो जाएगी। अगर जो मिनिमम वॉरहेड है 370 kg का वो कैरी करते हो तो जो रेंज होगी वो मैक्स जाएगी, जो कि 500 किलोमीटर के अराउंड है। तो इसके जो दो टेस्ट हैं वो ऑलरेडी कंडक्ट किए जा चुके हैं DRDO और आर्मी के साथ मिलके, जहाँ पे मिसाइल की जो एक्यूरेसी है, कंट्रोल है और गाइडेंस है, ये सारी चीजें वैलिडेट कर ली गई हैं। और सेकंड टेस्ट में जो लिथालिटी है मिसाइल की वो देखी गई थी। तो इसका जो प्रोपल्शन है वो की रहेगा, क्योंकि प्रोपल्शन के पास ज्यादा एनर्जी है और ये कंपोजिट प्रोपेलेंट है, हाईली एफिशिएंट सेटअप है ये, तो जो पर सेकेंड की एनर्जी जनरेशन है इस प्रोपेलेंट के पास वो हायर है। तो एक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के अल्टरनेटिव के रूप में भी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो ब्रह्मोस से इसकी कम है। ब्रह्मोस की 35 करोड़ से लेकर 40 करोड़ के बीच की है पर यूनिट कॉस्ट, वहीं पर जो प्रलय होगा वो 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में पड़ेगा पर यूनिट। तो होपफुली जो क्लियरेंस है इंडक्शन के लिए वो अगले वीक में दिखेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।